भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी ऐसी भी कोई फिल्म आएगी भाई, इसकी कल्पना तो हम सबने भी नहीं। आपको बता दें कि मैं उस फिल्म की बात कर रहा हूं जिसके डायरेक्टर जो है धीरज पंडित है, और धीरज पंडित तो उन डायरेक्टर्स में से हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कि जब भी पिक्चर बनाते हैं ऐसा समझ लो कि हीरा बनाते हैं। और देखा जाए तो भाई ये जो फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं, तो उस फिल्म का नाम है सिंह साहब द राइजिंग। और आपको बता दूं कि इस फिल्म में सिंह साहब का जो किरदार निभा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेता और सुपरस्टार कहे जाने वाले देव सिंह हैं। उनके साथ नजर आने वाली हैं अंजना सिंह। आपको बता दूं कि इसका ट्रेलर जैसे हम देख रहे हैं, ट्रेलर जैसे शुरू होता है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके मन में एक भावना है कि भाई उसको पढ़ना लिखना है और उसको मजदूरी नहीं करनी है। भाई देव सिंह जो है, जो सिंह साहब बने हैं आर्यन सिंह, रामनिवास सिंह, वो काम मांगने जाते हैं बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन उनको काम नहीं देने के लिए तैयार होता कोई भी। और वो और साथ ही साथ जो सिंह साहब बने हैं देव सिंह, उनके अंदर एक इच्छा होती है कि उनको पढ़ना लिखना है। तब उनसे कोई कहता है कि भाई पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाओगे, लेकिन उस समय वो ये बात कहते हैं कि कलेक्टर नहीं बनूंगा लेकिन कम से कम गांव का विकास तो कर ही दूंगा। और आगे अगर देखा जाए तो ट्रेलर भाई जिस तरीके से बढ़ता है, ये पिक्चर हर उत्तर भारतीय को गौरव प्रदान करने वाली है, इस बात की तो गारंटी है। ट्रेलर जैसे आगे बढ़ता है, देव सिंह का हमको एक्शन देखने को मिलता है, देव बाबू का एक्शन के साथ साथ उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका इमोशन। जैसे फिल्म में एक ट्रेलर में एक पार्ट ऐसा भी दिखाया गया जहां पे डॉक्टर आकर कहते हैं सिंह साहब को कि भाई या तो आपकी बीवी बच पाएंगी या आपका बच्चा बच पाएगा। उस समय जो इमोशनल मूवमेंट का वो शिकार होते हैं वो बहुत ही दर्दनाक था, और उस इमोशन को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है उन्होंने। अगर देखा जाए तो भाई ट्रेलर बहुत लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है, और मैं लिख के दे सकता हूँ कि जब ये पिक्चर रिलीज होगी भोजपुरी इंडस्ट्री में पक्का गर्दा उड़ा देगी। और ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आखिरी में एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि भाई सिंह साहब जो है वो एक बड़े ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति बन चुके हैं, और जिस तरीके से ट्रेलर में है कि भाई हक काम छोड़ते नहीं है और उससे और रिश्वत काम खाते नहीं है, ये जो डायलॉग बाजी है और जो डायरेक्टर डेब्यू है, देखा जाए गीता सिंह और नीतू सिंह और एक इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, बहुत बढ़िया तरीके से फिल्म को बनाया गया है। ट्रेलर देखकर तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसी कहानी और ऐसी फिल्म बनने के लिए तैयार हो रही है। और फिल्म में जो कहानी नरेट कर रहे हैं, जो नरेटर हैं, जिसके जिसका आवाज़ आ रहा है बैकग्राउंड में जैसे शुरू होता है, वो आवाज़ है भोजपुरी इंडस्ट्री के सदी के महानायक रवि किशन जी का। भाई अभी तो फिलहाल हमको पिक्चर का ही बहुत ज़्यादा इंतजार है, जिस तरीके से ट्रेलर बनाया गया है। भोजपुरी की जनता जब पिक्चर देखने जाएगी, भोजपुरी इंडस्ट्री वाले जब पिक्चर देखने जाएंगे, भाई सी मार पिक्चर कहेंगे सी मार। फिलहाल अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की भोजपुरी इंडस्ट्री के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि देसी भारत के साथ। धन्यवाद।